ओके नमस्कार स्टूडेंट्स, अभी मैं 10th क्लास के बारे में आपको जो चैप्टर 1 है वो हमने फिनिश किया था। अभी हम चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? ए इक्वेशन हैज टू एंड मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जिसके अंदर दो या उससे ज्यादा टर्म है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसके जीरोज कैसे सॉल्व किए जाते हैं मैं बताता हूँ। जितनी डिग्री होती है ना, उतने ही इससे किसी भी उसके इक्वेशन के क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। जैसे ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस पे इसने टू टाइम्स मतलब इंटरसेक्ट किया इस आर्क ने, तो इसके जीरोज एफ ऑफ एक्स के जो जीरोज है वो हमारे टू हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे थ्री टाइम्स कर दे तो थ्री हो जाएगी, जो कि हमारी 2.1 एक्सरसाइज के अंदर है। इसके अलावा मैं इसकी जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि आपको जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को ए की वैल्यू, एक्स के कोफिशियंट को बी की, और विदाउट एक्स की टर्म जो होती है वो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म सी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर सम ऑफ जीरोज ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा माइनस बी बाई ए होता है। इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। फिर प्रोडक्ट जीरो, ये हमारा सी बाई ए होता है और इसको आप अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। तो आप कोई भी जैसे इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये इक्वेशन उठा ली है। तो इसके अंदर जो वेरीफाई करना होता है आपको कि वेरीफाई दैट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 6, ये हमारी वैल्यूज ले लिया हमने और इसके फैक्टर बना रहे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर में भी आपने 8th क्लास में सीख लिए, ये 8th 9th में सीख लिए, फिर भी नहीं आते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से करवाए जाएंगे। इसके अंदर से x कॉमन x प्लस 3, नाउ टेक 2 कॉमन, देन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन ये कॉमन आया x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, ये जीरो हमारे आ गए हैं। और अब ये कोफिशियंट्स है, इनका रिलेशन देखते हैं। इसके मुताबिक मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1, यानी कि माइनस 5 आया। अब यहाँ पर आपका माइनस ये क्या है? सम है, मीन्स इनका दोनों का सम, प्लस में माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस 5, और ये दोनों जगह से इक्वल आया है। अभी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये हो जाएगा सी बाई ए मीन्स सी की वैल्यू 6 बाई 1 मीन्स 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस 3 इंटू माइनस 2, देन माइनस माइनस प्लस, और ये 3 टू द 6, हेंस वेरीफाइड रिलेशन हमारा क्या हो गया है? वेरीफाइड हो गया है। इसके अलावा अब आपको जैसे कि बोल दिया जाता है सम जो है वो दे दिया माइनस 4 और प्रोडक्ट जो है वो दे दिया है 3/5, तो इसकी इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन कन्वर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कंपेयर कीजिए माइनस बी बाय ए एंड सी बाय ए, तो ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये खत्म हो नहीं सकता, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से ए कंपेयर किया, ए की वैल्यू दोनों जगह से 5, बी की वैल्यू ये 20 हो गई भी माइनस की, और निशान चेंज कर दिया जाता है तो प्लस, एंड सी इज इक्वल टू 3, देन इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर मीन्स 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ टू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 आर फिनिश। तो इससे आगे की जो होंगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी, और आप आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और आई बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।